शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाईमास्ट लाइट बंद होने के कारण पुलिस को हो रही दिक्कतें, अंधेरे का करना पड़ रहा सामना। दिक्कत यह है कि अंधेरे का सामना करना पड़ता है। कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए पुलिस प्रशासन नागरिकों के लिए सतर्कता बढ़ते हुए एक कोविड-19 योद्धा के रूप में उभर कर सामने आई है, लेकिन इनको सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है। नागपुर अमरावती महामार्ग क्रमांक 6 पर जिलाबंदी होने के कारण पुलिस चौकी में तैनात पुलिस यातायात का काम संभालती है। दिन भर तो उजाला रहता है, लेकिन रात होते ही कुछ दिनों से इनको अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि यह चौराहे पर स्थित हाईमास्ट जो कि पथकर वसूली कर रही है कंपनी कार्य क्षेत्र में आता है। उन्होंने इस हाईमास्ट को बंद हुए लाइट पर अनदेखी करना शुरू किया है, कारण अंधेरा छाया रहता है। ऐसे में खुले में पुलिस चौकी में जमीन पर रेंगने वाले जीवों से असुरक्षितता महसूस होती है और चौराहा होने की वजह से इधर उधर की यातायात अंधेरे में ध्यान रखना भी मुश्किल होता है। किसानों को भी रात के अंधेरे में खेती से आना होता है, उनको भी इस अंधेरे का सामना करना होता है। किसानों एवं आम जनता से मांग उठ रही है कि इस हाईमास्ट के लिए पूरे लाइट चालू होने चाहिए, जिससे परेशानी ना हो। इस पर पथकर वसूली कंपनी ने ध्यान देना अनिवार्य हो गया है। आप देख रहे हैं, यह है महामार्ग क्रमांक 6 अमरावती से नागपुर जाने वाला, और यहाँ मेरे पीछे देख रहे होंगे आप पुलिस चौकी लगी हुई है। यह कोरोना योद्धा की पुलिस चौकी है, जो कोरोना को महामारी से लड़ने के लिए पुलिस यहाँ बंदोबस्त के लिए मौजूद है, तैनात की गई है। 2400 घंटे यहाँ ड्यूटी देते हैं। जिलाबंदी होने के कारण यह सीमा पर लगी हुई चौकी है, जहाँ आने जाने वालों की यह पूछताछ करते हैं। दिन भर तो यहाँ इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात के टाइम में अभी कुछ ही दिनों से 8 दिन से यह हाईमास्ट है महामार्ग क्रमांक 6 पर लगा हुआ जो बंद है। इसके लाइट भी कुछ बंद होने के कारण रात को यहाँ अंधेरा होता है। इस अंधेरे का सामना यहाँ पर तैनात पुलिसों को करना पड़ता है। उसके साथ ही परिसर के जो खेड़े पाड़े में जाने वाले नागरिक है, उनको भी इस अंधेरे का सामना करना पड़ता है। यहाँ महामार्ग क्रमांक 6 पर जो कंपनी पथकर नाका वसूल करती है, उनका काम है कि उन्होंने यह इसकी देखभाल करना और इसको चालू करना, लेकिन 8 दिनों से इन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया हुआ है। कारंजा गाड़िए से इन विषय के लिए रुपेश मस्की। NBC News के लिए कारंजा से रुपेश मस्के की रिपोर्ट।